जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और गाइडेंस के लिए अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन मोटिवेशन को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार का हिस्सा बने। टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन को भी ज्वाइन करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करने जा रहे हैं उस वैकेंसी की जो आज से लगभग मार्च के अंदर इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ था, 27 मार्च, और 2 मई तक इसका फॉर्म है वो फिलअप हुआ था। यानी कि 27 मार्च से लेके 2 मई तक इसका फॉर्म है वो फिलअप हुआ था आप लोगों के लिए। और इसकी वैकेंसी की अभी आप लोगों के सामने एग्जाम है, और ये वैकेंसी कौन सी है आप याद करिए, कमेंट करिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन की ये वैकेंसी थी जिसके अंदर 9212 पोस्ट आई थी, इंक्लूडेड इसमें गर्ल्स की भी। तो यानी कि 9212 पोस्ट वाली वो बड़ी भर्ती जिसका एग्जाम आप लोगों के सामने अभी आ चुका है। आप लोग अपनी जो तैयारी है उसके अंदर अभी भी आपके पास में समय है, 10 दिन का लगभग आपके पास में समय है, 1 तारीख से है, तो 6-7 दिन का आपके पास में और समय है। तो आपने जो भी पढ़ा लिखा है उसका एक बार रिविजन कर ले, एक बार आप इसके अंदर वापस उसको एक बार जो आपके टेस्ट पेपर है, जो आपके मॉडल पेपर है, उनको आप एक बार निकाल लें ताकि आप लोगों का जो भी पढ़ा है आपको पता चल जाए कि मेरा कौन सा पार्ट है वो कमजोर रहा है, तो उसको एक बार फिर से आप देख लें। और ये 6-7 दिन जम के एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए तो आपका 100% है वो पेपर पास हो जाएगा। क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, सबके पेपर है वो नॉर्मल आ रहे हैं, ज़्यादा कोई भी पेपर हार्ड नहीं है। तो आप अगर थोड़ी सी तैयारी करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर आप निकालेंगे तो आप जरूर इसके अंदर पास हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो 9212 पोस्ट थी जिसके अंदर 107 पोस्ट है वो गर्ल्स की भी थी, तो ये वैकेंसी है जिनके एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए कल से, यानी कि आज 24 तारीख है, 25 जून 2023 से इसके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। 25 को आएंगे, उसके बाद में 27 को आएंगे, और उसके बाद में 29 जून को आपके सामने एडमिट कार्ड आएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूं, जिनके 25 तारीख को एडमिट कार्ड आएंगे उनके एग्जाम 1 से लेकर 3 जुलाई के बीच में होंगे, जिनके 27 जून का एडमिट कार्ड आएंगे उनके एग्जाम है वो 4 और 5 जुलाई को होंगे, और जिनके 29 जून को एडमिट कार्ड आएंगे उनके एग्जाम 6 जुलाई को, और 10 जुलाई को, 11 जुलाई और 12 जुलाई को उनके एग्जाम होने वाले हैं। और ये एग्जाम है आप लोगों के CBT होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है इसके अंदर आपको आगे का जो पार्ट है वो पार्ट इसमें निकालने का ऑप्शन नहीं हो, तो आप जो भी आप एग्जाम है वो करते जाएं, आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप आराम से तसल्ली से देखें, और आप इसके अंदर अपना जो बेस्ट आपको लगे वो ऑप्शन आप भर के इसके अंदर पेपर को आप कंप्लीट करें। और उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर पेपर जो भी आ रहे हैं, चाहे SSB का हो रहा हो, चाहे उसके बाद में आपका CISF का हो रहा हो, चाहे CRPF का हो रहा हो, सभी भर्तियों के अंदर आप लोगों का पेपर है वो नॉर्मल आ रहा है। तो आप थोड़ी सी तैयारी अगर इसके अंदर करेंगे, आप रिविजन कर लेंगे, आप इसका अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे तो आप जरूर इस पेपर के अंदर पास हो जाएंगे। उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में फिर आपका PT PST ट्रेड टेस्ट और फाइनल मेरिट का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ही जो पार्ट हैं, सारे के सारे स्टेप हैं वो आप पास करें, आप इसके अंदर सिलेक्शन लें। जय हिंद, जय भारत।